हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पीएच वैल्यू पीएच मान के विषय में पढ़ चुके थे, तो एक बार आपका हम रिकॉल करते हैं और इसके बाद फिर आपका हम जो हेडिंग लगी हुई है साल्ट के बारे में देखेंगे और कुछ आपके फार्मूला देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम डिस्कशन करें। तो सबसे पहले कल हम देख लिए थे बच्चों कि पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ये चीज़ हमने कल देख लिया था, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला और हम आपको बताए थे। अगर लाख को इधर लाएंगे तो आपका 10 की पावर माइनस पीएच इक्वल टू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी बच्चों। और ये फार्मूला भी हमने आपसे कहा था, याद कर लीजिए। और बच्चों एक होता है आपका पीएच स्केल, वह स्केल जिसके माध्यम से हम अम्लीय और क्षारीयता को दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल बच्चों कहाँ तक बनाया जाता है, 0 से लेकर 14 तक बनाया जाता है बच्चों। जहाँ पर 0 से लेकर के यहाँ तक 7 तक बच्चों, 1 से लेकर के 7 तक की जो वैल्यू होती है बच्चों, यहाँ पर आपको 0 ले रहे हैं तो ये आपकी अम्लीयता को बताती है। कहाँ तक बच्चों, यहाँ पर आपका एग्जैक्टली 7 तक मत लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपका 6.9 तक लीजिएगा। 6.9 तक क्या बताएगी, अम्लीयता को बताएगी। और जब आपका पीएच मान कहाँ पर जाए, 7 पर हो जाए तो वह आपकी उदासीन हो जाएगा। तब आपका जो पीएच मान अगर 7 हो जाएगा तो आपका जो विलयन होगा उदासीन होगा। और यदि आपका 0 से लेकर के 6.9 तक लाइज करें तो आपका क्या अम्ली होगा। और यदि आपका यही 7 से ज़्यादा लाइज करे और कहाँ तक रहे बच्चों, 14 तक रहे तो आपकी क्या होगा, विलयन आपका क्षारीय होगा। तो ये बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ स्पेशल है नहीं आपका, कि जब आपका पीएच मान 0 से लेकर के 6.9 तक लाइज करे तो आपका क्या अम्ली होगा, और यदि 7 होगा तो उदासीन होगा, और यदि 7 से ज़्यादा मतलब 14 तक होगा, यदि हम 7.1 से लेकर के 14 तक की बात करें यदि होगा तो पीएच मान आपका क्षारीय बताएगा। तो ये आपका हम डिस्कशन पिछले लेक्चर बच्चों कर चुके हैं, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। अब हम आपका अगली चीज़ बात करते हैं जो आपका है साल्ट। तो साल्ट क्या है बच्चों, तो साल्ट क्या होता है बच्चों, जब हम अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करा देते हैं तो हमारा एक ठोस पदार्थ बनता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब निकला, जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो प्राप्त ठोस पदार्थ लवण कहलाता है। लवण मतलब क्या बच्चों, साल्ट। साल्ट कहलाता है। और बच्चों यदि हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो हम यहाँ बच्चों लिख रहे हैं, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया हम कोई एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसके माध्यम से आपको समझा रहे हैं बच्चों, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक आपका अम्ल ले लिया HCl और एक क्षार ले लिया बच्चों NaOH। तो HCl किससे ब्रेक होगा बताइए आप, H+ और Cl- से ब्रेक होगा बच्चों। और NaOH किससे ब्रेक होगा आपका, Na+ है बच्चों और OH- में। तो देखिए आपका जो माइनस वाला अटैक कहाँ पे करता है, हमेशा प्लस पर करता है। तो OH H के पास गया और बोला भाई क्या बनाए, तो उन्होंने कहा जल बना। तो
तो जल बनाया, और जब सियल गया यन्ने के पास तो भाई क्या बनाए, तो कहा कि तू चल यन्ने सियल बना, और यन्ने सियल क्या होता है जो आपका सॉलिड होता है, ये आपका क्या होता है लवण होता है। तो ये कैसे बना, जब आपका अम्ल और क्षार ने आपस में अभिक्रिया किया तो जल बनाया और क्या ठोस पदार्थ बनाया, और इसी ठोस पदार्थ को बच्चों हम क्या कहते हैं लवण कहते हैं। और इस अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा निकलती है उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। तो यदि हम कह लें ये आपका कितने हैं, एक मोल अम्ल है, एक मोल आपका क्या है क्षार है, तो एक मोल तुल्यांकी अम्ल और एक मोल तुल्यांकी क्षार की आपस में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा को हम क्या कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उससे हम क्या कहेंगे, एक उस जो ऊष्मा उत्पन्न होगी बच्चों उसको हम क्या कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं बच्चों, उदासीनीकरण ऊष्मा। तो उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है बच्चों, तो उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है, जब एक ग्राम तुल्यांकी अम्ल और एक ग्राम तुल्यांकी क्षार की आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाती है, उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। तो कहने का मतलब जब एक ग्राम तुल्यांकी अम्ल एक ग्राम तुल्यांकी अम्ल और एक ग्राम तुल्यांकी क्षार और एक ग्राम तुल्यांकी अम्ल और एक ग्राम तुल्यांकी क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। तो ठीक है बच्चों, और यदि बच्चों आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होता है तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान क्या होता है बच्चों, 13.4 किलो कैलोरी होता है बच्चों, इतनी ऊष्मा निकलती है। और यदि आपका दुर्बल होगा तो इससे क्या होगा कम निकलेगा, तो ये चीज़ बच्चों आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ साल्ट का, इससे बच्चों आप इनके नाम याद रखिएगा, यहाँ से आपका एक नंबर जरूर आएगा। महत्वपूर्ण लवण, जैसे कि बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे लवण, फिर उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर हम साधारण नाम, और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने आपका लिखा NaCl, तो इसे हम कहते हैं कॉमन साल्ट, साधारण लवण। और इसका जो रासायनिक नाम होता है बच्चों सोडियम है तो सोडियम, क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो क्या रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होगा बच्चों। यदि हम बात करें दूसरे लवण की तो हमने यहाँ पर लिखा बच्चों Na2CO3, इसको हम क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं बच्चों आपका धावन सोडा कहते हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं बच्चों धावन सोडा भी कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट क्या रहा बच्चों आपका धावन सोडा रहा, तो मतलब इसका क्या नाम निकला आपका धावन सोडा, और ऐसे क्या कहें बच्चों सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कहेंगे बच्चों।
और यदि हम बात करें अगले साल की, तो बच्चों यहाँ पर लिखा NaHCO3। आप इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसको है आपका बेकिंग सोडा, कचौड़ी में डाला जाता है बच्चों, और आपके घर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि पकौड़ी हुई और जैसे कि आपका कभी पूड़ियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा है बच्चों, इससे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहेंगे। और बेकिंग सोडा का जो नाम होता है बच्चों, इससे हम क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं या सोडियम बाई कार्बोनेट, तो इसका हम सोडियम बाई कार्बोनेट लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं आपका, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख सकते हैं। और जैसे बच्चों यहाँ पर हमने लिखा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 1/2 हेमी हाइड्रेट, तो इसको बच्चों हम क्या कहते हैं आपका, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बच्चों, और इसका क्या रसायन नाम, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, तो इसका क्या रसायन नाम है बच्चों, कैल्शियम, क्या नाम है बच्चों इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट बच्चों इसका रासायनिक नाम है। और बच्चों यहाँ पर जैसे आपका एक है CaOCl2, इसको हम क्या कहते हैं, विरंजक चूड़ कहते हैं बच्चों। और विरंजक चूड़ का जो साधारण नाम क्या होगा बच्चों, तो इसका विरंजक चूड़ ही होगा बच्चों, क्या होगा आपका, विरंजक चूड़ होगा। और जो आपका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो रासायनिक नाम क्या है बच्चों, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीजन के लिए क्या ऑक्सी लगाएंगे, क्लोराइड को क्लोराइड लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो बच्चों आपका जो नाम निकला क्या निकला, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड निकला। तो ये रहा बच्चों आपका चैप्टर का 61 ओवरव्यू, क्रैश कोर्स के हिसाब से 61 ओवरव्यू। और बच्चों यहाँ पर आप इसे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई जिप्सम का फार्मूला पूछे तो आप जिप्सम का फार्मूला याद रखिएगा बच्चों, CaSO4 × 2H2O, ये फार्मूला होता है बच्चों आपका जिप्सम का। तो यहाँ से आप एक नंबर ज़रूर आएगा, और सबसे ज़्यादा फोकस आप इस पर ज़रूर रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट पे। तो यहाँ से आपके एक नंबर बन सकता है बच्चों। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। और इसमें आपका एक क्वेश्चन और पूछेगा, किसी का पूछ लिया कि इसका उपयोग क्या होगा, तो उपयोग बच्चों जब आपको कुछ ना मालूम हो तो आप लिख देना कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम इन सब का उपयोग करते हैं, जितने भी केमिकल्स आप देखते हैं उनका उपयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं। तो आपका उपयोग रहा। अब बच्चों हम इस चैप्टर को एंड करते हैं यहाँ पर। अब आपका अगला चैप्टर मेटल और नॉन मेटल पर आएगा, तब तक के लिए गुड बाय। और आप सबको ले वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जहाँ पर आपको न समझ में आया है और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। अब मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।